ओडिशार बड़ आईटी रेड को नहीं शेष मुह खोल सांसद धीर साहू 351 कोटी टंका जबत होगा घटन प्रथम थरपाई गणमाध्यम प्रतिक्रिया रखिंट कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज कहते जबत हो टा सह मोर कौन संपर्क नहीं से कहते बड़ परिवार होता बेले परिवार एकाधिक सदस्य व्यवसाय रही यह पारिवारिक व्यवसाय टंका सफे रखिंट धीरज मोर पर वर्ष वर्ष धरी मद व्यवसाय संप्रक्त रही व्यवसाय एवं टिकस देवाई कि टंका रखा सेपरि दल को सुरक्षा देवाक जबत टंका सहित कांग्रेस कौन से संपर्क नहीं धीरज सब बड़ कथा हो मामला झारखंड हाइकोर्ट में पहुंचा पर मुह खोल धीरज सब धीरज मिछ बाहस्फोट मार्वा कहते पूर्वतन अबकारी कमिशनर सुदर्शन नायक रिजर्व बैंक गाइडलाइन अनुसार 25 लाख रु ऊर्ध टा हार्ड कैश घर गच्छित रखा बेआईन या व्यतीत मद बेपार संबंधित व्यवसाय एत अमाउंट रोजगार होगा असंभव से कहते जहां धीरज एंड को रोजगार मूल उत्स आड़ कर अंगुली निर्देश आई मूल उत्स खोजा दायित्व ईडी और सीबीआई को देवा झारखंड हाइकोर्ट में आवेदन होई छी। ये काला धन है कि नहीं है, देखिए अभी मैं थोड़ा देर पहले बताया कि हम लोग का पास हर बिजनेस जो है इसमें जितना भी तरह का जो फर्म है हम लोग का परिवार का नाम से है। हम वो लोग कैसे काला धन को शो कर रहे हैं वो तो खैर इनकम टैक्स ही बताएगी, इनकम टैक्स का भी जवाब आने दीजिए, काला धन है या सफ़ेद धन है वो तो इनकम टैक्स का इसका जवाब देगी, हिसाब आप हाँ हिसाब। हाँ देखिए हम बिजनेस आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मैं बिजनेस में नहीं हूँ, हमारे परिवार वाले इसका जवाब देंगे। मैं बिल्कुल इस मामले से बिल्कुल दूर हूँ, मैं चूँकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है और मैं राजनीति में 35 साल से हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी आपको जानकारी नहीं देना चाहता हूँ और मैंने दे दी जो भी जानकारी देना था दे दिया और आगे जो भी चाहेंगे मैं देने को तैयार। देखिए अब ये इनकम टैक्स का छापा है, अब उसको लोग किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं इसका बारे में तो हमको नहीं पता है, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। मैं किसी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि यह कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टी का पैसा बिल्कुल नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। रिजर्व बैंक जो निर्देशावली अच्छी से निर्देशावली अनुसार कौन सी व्यावसायिक संस्था 25 लक्ष केस रु अधिक रखी पारिब नाही, ये 400 कोटी टंका जे ये इन केस व्यावसायिक टंका कहिबा एक संपूर्ण मिथ्या कथा। कथा होची जे ओडिशा रे तांकर गोटे डिस्टिलरी अच्छी आउ अनेक गुड़िए महुल मद भाटी अच्छे, ये महुल मद भाटी आउ डिस्टिलर केस एते कोटु आसीब, तेणु ये एक बास्पोर्ट कथा मिथ्या कथा। संपर्क अधिक सूचना पाई रही हम प्रतिनिधि विप्लव रावल। विप्लव ये जो रेड हो जे ढेंकानाले लिंक रही है जहाँ कहा जाए बौद्ध दिसलारी सहित कौन अपडेट कौन आसी पहुँचुची कतोटी टीम बर्तमान चढ़ाऊ कर केते बेलू चढ़ाऊ जारी रहा हाँ देखु नीलिमा गत काल ठारु आपण जानिथिबे सुगोर निकट रहितबा शक्ति मल्टेयर एवं लिमोनेट प्राइवेट लिमिटेड जो विदेशी मद कंपानी रही बॉटलिंग प्लांट रही है सेठारे गत काल दिन 11टा बेलू आईटी टीम रो दुईटी टीम पहुंची रेड जारी रखी एवं राति तमाम काल राति तमाम यही टीम जारी रखी आज सका आम जहाँ सूचना पाऊँ जो टीम तदंत जारी रखी निश्चित भाव में आम कहीपर जो टीम रही से किसी गुरुत्वपूर्ण कागज जबत करने सहित जांच करुच्चे प्रकृति में जो टिकस दबा कथा जो रही जो मद फैक्ट्री बा शक्ति मल्टेयर से ठीक रेट टिकस पयट करूला ना नहीं। आउ सब बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा होची जे देहेतु गत काली जे सुपरटेंडेंट रही है ढेंकानाल अबकारी विभाग से मध्ये स्पष्ट कहते जे जो बौद्ध डिस्टिलरी रही है सेठारु ही स्पिरिट अणा जाउतिला एवं एइटारे ही मद बॉटलिंग करा जाउतिला। निश्चित भाव में कहवा जेहेतु जो धीरज साहू जे रही बौद्ध डिस्टिलरी रही तेणुक निश्चित भाव में जेहेतु 350 कोटी टंका
ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ନିସ୍ତମ୍ଭରେ, ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଇଡି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଛାନଭିନ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉଥିଲୁ ଅଧିକା ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୂଚନା ରହୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନୀଳିମା ଆଇଡି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ଯାହା ସୂଚନା ପାଉଥିଲୁ ଯେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଥାଏ ମଦ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଥାଏ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ତ ଅଧିକା ଷ୍ଟକ୍ ଥିବା ହେତୁ ନେଇ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଚୋରା ଷ୍ଟକ୍ ରହିଥାଏ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଯିଏ ଷ୍ଟକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାଇଜ୍ର ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିମାଇଣ୍ଡର ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଚୋରା ମଦ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଲିଙ୍କ ଯେଉଁ ସାହୁଆଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ତେଣୁ ସନ୍ଦୀପକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବାର କଥା କି ଆଇଟି ରେଡ୍ ପରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଓ ତାର ଲିଙ୍କ ରହିଛି ନା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିପ୍ଳବ। ଏହି ରେଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରତିନିଧି ବିପ୍ଳବ ରାଉଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।